ECAT Mathematics F.Sc Part 1 Chapter Number 13 जो के है Inverse Trigonometric Functions पर और इसमें जो टॉपिक आज हम डिस्कवर करेंगे वो है Domains and Ranges of Principal Trigonometric Functions Principal Trigonometric Functions इसलिए के हम उन Trigonometric Functions की बात करेंगे जिनकी Domain को Restrict किया गया है ताकि उनके इन्वर्सेस भी जो हैं वो पॉसिबल हों। फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी जिसको कि हम जो है हमारे पास रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड है उससे हम उसको समझेंगे। यानी प्रिंसिपल साइन फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन लिखा गया है। इसको हम पढ़ेंगे साइन इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस इसी तरह कोसाइन इन्वर्स ऑफ एक्स जो कि प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन है। इन दोनों का सम किसके बराबर होगा। अब इन वैल्यूज में से एक वैल्यू बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि हम जानते हैं कि साइन जो फंक्शन है प्रिंसिपल फंक्शन इसकी डोमेन माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक है और जो कोसाइन फंक्शन है इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास 0 से पाई तक है। ठीक है जो कि इनवर्स फंक्शन की क्या होगी रेंज होगी। ठीक है तो यहां पर हम x फर्ज करें साइन की वैल्यू 1 लिखते हैं कॉस की वैल्यू भी 1 लिखते हैं यानी साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कोसाइन इनवर्स ऑफ 1। अब हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू जो 1 है वो सॉरी यहां पर साइन की वैल्यू जो के 90 डिग्री पे आती है पाई बाय 2 पे होती है 1। ठीक है तो इसका मतलब कि इस प्रिंसिपल जो साइन फंक्शन है उसकी इनवर्स पे मतलब उसका जो इनवर्स फंक्शन है उसकी 1 पे जो वैल्यू होगी वो पाई बाय 2 होगी। ठीक है इसी तरह कोसाइन जो प्रिंसिपल फंक्शन है इसकी वैल्यू पाई बाय 2 पे होती है हमारे पास 0। ठीक है और अगर हम यहां पर चूंकि 1 की बात कर रहे हैं अगर हम 1 देखें तो कोसाइन ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर है। इसका मतलब प्रिंसिपल फंक्शन जो होगा कोसाइन फंक्शन इसका इनवर्स फंक्शन 1 पे जो वैल्यू देगा वो 0 देगा। तो हमारे पास यहां पे आएगा पाई बाय 2 प्लस 0 जो कि पाई बाय 2 के इक्वल है। इसका मतलब ऑप्शन सी जो हमारा होगा वो इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा एक बेस्ट ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखें तो वो बिल्कुल नहीं बनते। यहां पर 0 भी नहीं आ सकता पाई भी नहीं आ सकता और पाई बाय 3 भी नहीं आ सकता। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं जी जिसमें है कि रेंज ऑफ प्रिंसिपल टेंजेंट इनवर्स एक्स इज। अब यहां पर जो इस फंक्शन की रेंज है वो बेसिकली एंगल्स ठीक है और जो इसकी डोमेन है वो वैल्यूज है मतलब नंबर्स है। वो हम इस बात को यूं समझ सकते हैं कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स की अगर रेंज वाई हो तो फिर अगर हम दोनों तरफ टेंजेंट फंक्शन ले लें प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन तो टेंजेंट ऑफ वाई किसके बराबर होगा फिर वो x के बराबर होगा। इसका मतलब अब हम जानते हैं कि जो टेंजेंट फंक्शन है इसकी जो हमारे पास यहां पर y की वैल्यू डोमेन है जो कि इस फंक्शन की इनवर्स की रेंज है वो हम जानते हैं कि हम -π/2 नहीं पुट कर सकते। ठीक है क्यों नहीं पुट कर सकते इसका रीजन भी मैं आपको अभी समझा सकता हूं कि अगर हम -π/2 पुट कर लेते हैं तो हमारे पास चूंकि ये रेशियो होती है sin इनवर्स सॉरी इसको बल्कि मैं लिखूं sin ऑफ y ओवर cosine ऑफ y के इक्वल। ठीक है ये टेंजेंट y के इक्वल है तो अब देखें अगर आप -90 लिख देंगे तो cos 90 या -90 तो cos की वैल्यू 0 होती है और 1 ओवर 0 या समथिंग नॉन जीरो नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करें तो अनडिफाइंड आंसर आएगा। तो इसका मतलब हम फंक्शन में वो नंबर नहीं लिख सकते डोमेन में जिससे कि रेंज अनडिफाइंड हो। तो इसका मतलब y जो है फिर -π/2 और π/2 नहीं लिखा जा सकता। तो बिल्कुल चूंकि y यहां पर डोमेन है और इस फंक्शन की ये रेंज है तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर c होगा फिर वो हमारा बिल्कुल एक बेस्ट ऑप्शन होगा जो कि फिर हम कहेंगे कि रेंज है प्रिंसिपल टेंजेंट इनवर्स फंक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं इसकी स्टेटमेंट है जी कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ x इनमें से किस रिलेशन के बराबर है। ठीक है चलिए मैं हम यहां पर हिट एंड जो हमारे पास ट्रायल एंड एरर मेथड है उसको हम जरा यहां पे देखते हैं।
और रिवर्स इंजीनियरिंग के मेथड को यूज़ करते हैं कि अगर फर्ज करें को टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता, ठीक है, तो फिर को टेंजेंट वाई किसके इक्वल होता, एक्स के इक्वल होता, ठीक है जी। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर फर्ज करें हम जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है को टेंजेंट, हम यहाँ पर कौन सा एंगल लिखें इस पे एक्स की वैल्यू आती, यानी फर्ज करें हम कहते हैं कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि कोटेंजेंट जो है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हम इसको 1 ओवर टेंजेंट 30 डिग्री लिख सकते हैं, और टेंजेंट की 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1 ओवर अंडर रूट 3, जो कि जब इसका इनवर्स लिया जाएगा तो ये अंडर रूट 3 के बराबर आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि हम ऐसा करते हैं कि इसमें एक्स जो है वो स्क्वायर रूट 3 पुट करते हैं इस फंक्शन में, तो इसमें जो रेंज आएगी इसकी वो एक एंगल होगा जो कि होगा फिर 30 डिग्री यानी पाई बाय 6। अब हम देखते हैं कि इसी एक्स की वैल्यू से कौन सी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये हमें पाई बाय 6 आंसर देगा। क्या हम ये ऑप्शन यूज करें, ठीक है, इसमें देखें टेंजेंट इनवर्स ऑफ अगर हम एक्स लिखते हैं अंडर रूट 3 लिखते हैं तो हम जानते हैं कि टेंजेंट की वैल्यू अंडर रूट 3 आती है 60 डिग्री पे, ठीक है, तो ये तो 1 ओवर 60 डिग्री या पाई बाय 3 आ जाएगा, ठीक है, पाई बाय 3, या इसको हम फिर जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 3 ओवर पाई आंसर आता है, जो कि पाई बाय 6 के बराबर नहीं, इसे रॉन्ग है, इसलिए ये नहीं आ सकता, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अगर हम बी की बात करें तो इसमें टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है, और अभी मैंने जैसे आपसे बात की कि एक्स हम अगर अंडर रूट 3 लिखते हैं तो इसका आंसर हमारे पास पाई बाय 3 आएगी यानी 60 डिग्री, ये तो पाई बाय 6 है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, ये अगर हम इसको देखें तो चलें इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि क्या ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो देखें अगर टेंजेंट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 लिया जाए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री और ये माइनस 60 बन रहा है इसका, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन है कि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, अब अगर इसको हम लिखें तो और इसको चेक करते हैं कि क्या ये ऑप्शन बन सकता है या नहीं, बल्कि इस ऑप्शन को मैंने थोड़ा करेक्ट किया, ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 ओवर एक्स होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि कॉस के लिए मैंने देखा था कॉस इनवर्स ऑफ एक्स भी ये नहीं बनता, ठीक है। अब हम अगर डी ऑप्शन को देखें कि अगर फर्ज करें डी ऑप्शन अवेलेबल होता है इस तरह से कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 ओवर एक्स, तो अब देखें इसमें हम ये बात समझ सकते हैं कि एक्स जो हम रख रहे हैं वो अंडर रूट 3 रख रहे हैं, ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 ओवर अंडर रूट 3 आ गया, ठीक है, और 1 ओवर अंडर रूट 3 पे टेंजेंट की जो वैल्यू होती है मतलब 30 डिग्री पे होती है 1 ओवर अंडर रूट 3, ये बात हम जानते हैं, इसका मतलब पाई बाय 6 आंसर आएगा इसका, तो इसलिए जो टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स है वो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 ओवर एक्स के बराबर, यानी अब हम इसको यूं समझ सकते हैं कि अगर जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा, ठीक है, तो और अगर और जो फंक्शन है उसका भी रेसिप्रोकल ले लिया जाए, यानी टेंजेंट का टेंजेंट टेंजेंट का टेंजेंट कर लिया जाए, तो उनकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जो उनकी रेंज है वो दोनों की क्या आएगी जी, सेम आएगी, ये बात हम यहाँ से डिड्यूस कर सकते हैं और इसको फिर हम नेक्स्ट किसी भी MCQ के ऊपर फौरन से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट MCQ के प्रिंसिपल साइन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन अगर नेगेटिव ऑफ एक्स के ऊपर ऑपरेट हो तो इसका आंसर इनमें से किस ऑप्शन के साथ मैच करेगा, ठीक है जी। अब हम इसको यूं ही समझेंगे कि क्योंकि साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रिंसिपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी जो डोमेन है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक होती है, ठीक है, इस तरह से इसके इंटरवल में होती है, इसलिए हम ये जानते हैं कि साइन की वैल्यू जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर फर्ज करें हम यूँ कहते हैं कि अगर एक्स जो है हमारे पास वो था 1 ओवर 2, ठीक है, तो फिर साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव 1 ओवर 2 का मतलब है कि साइन की वैल्यू 1/2 आती है 30 डिग्री पे, इसका मतलब ये माइनस 30 डिग्री आएगा, माइनस पाई बाय 6, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ये फंक्शन 1/2 लिखने से साइन को साइन इनवर्स ऑफ जो एक्स है वो क्या 30 डिग्री आंसर देता है या नहीं, माइनस 30 डिग्री आंसर देता है कि नहीं, चूंकि
cos की वैल्यू 60 पे जाकर 1 by 2 होती, इसलिए इसका आंसर तो 5 by 3 आएगा, जो कि इससे मैच नहीं करता, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर 1 over 1 over 2 है, यानी जो कि 2 बन जाएगा, और cos की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और जो 2 इसकी वैल्यू आ नहीं सकती, तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसे साइन इनवर्स ऑफ अगर x की बात की जाए, ठीक है, तो ये बात हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू 1 बाई 2 होती 30 पे, तो माइनस 30 डिग्री आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके हिसाब से सी ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन बनता है, और डी ऑप्शन अगर आप देखें तो कॉज इनवर्स ऑफ एक्स, ये पाए यानी 180 में से हम 60 डिग्री माइनस कर रहे हैं, ये 120 डिग्री आता है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास मतलब एंगल भी अगर आप देखें तो ये पाई बाय, तो इसको अगर 120 डिग्री को अगर हम रेडियंस में लाएं तो हम इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि फिर 60 के टेबल से 2 पाई बाय 3 बनता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये माइनस पाई बाय 6 नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, इसे हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो सी है, और ये इसलिए भी है क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है, ठीक है, तो साइन की वैल्यू नेगेटिव ऑफ एक्स ली जाए या नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिया जाए, ये दोनों में जो रेंज है वो हमारे पास जो एंगल आ रही है वो सेम आएंगी। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी, तो आप वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल साइन ऑफ कोसाइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 ये किसके बराबर है। देखिए आप कोसाइन की वैल्यू जो है वो अंडर रूट 3/2 किस एंगल पे आती है, ये हम जानते हैं कि ये वैल्यू 30 डिग्री पे आती है, कॉस प्रिंसिपल फंक्शन की जो कॉस है उसकी वैल्यू 30 डिग्री पे आती है अंडर रूट 3/2, इसका मतलब यहाँ पर साइन की वैल्यू बन गई 30 डिग्री पे, जो कि 1/2 होती है, और वो अवेलेबल है ऑप्शन नंबर सी में। तो ये हम इस तरीके से ये बी एम सी क्यू जो है इस तरह के जितने भी एम सी क्यू हैं वो सारे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एम सी क्यू सॉल्व करते हैं जी, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ नेगेटिव 1 इज। अब ये बात याद रहे कि जो प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, इसकी जो हमारे पास रेंज है वो 0 और पाई के ओपन इंटरवल में है, ठीक है, यानी अगर प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन की बात की जाए तो उसमें जो एंगल्स हम पुट करेंगे वो 0 से बड़े और पाई से लेस पुट कर सकते हैं, इसका मतलब इस इंटरवल में हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब अगर कोटेंजेंट नेगेटिव 1 है, ये हम जानते हैं कि कोटेंजेंट की वैल्यू पाई बाय 4 पे 1 आती है, यानी 45 डिग्री पे, और अब नेगेटिव 1 आ रही है, इसका मतलब कि ये नेगेटिव पोटेंजेंट जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर 45 डिग्री बन रहा है तो वो जारी बात है कि पाई बाय 2 में मज़ीद हम पाई बाय 4 ऐड कर रहे हैं, जो कि अगर इनका सम किया जाए, ठीक है, एलसीएम लिया जाए तो 4 एलसीएम आता है, 2 के टेबल से 2 2 4, मतलब यहाँ पर 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पर 2 पाई आ जाएगा और प्लस यहाँ पे तो 4 ये डिनोमिनेटर, तो इसलिए पाई एज इट इज आ जाएगा, तो आंसर बनता है 3π/4 यानी 135 डिग्री, जो कि फिर ऑप्शन ए में अवेलेबल है और हम इसी को मार्क कर देंगे। ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, सी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंगल इसकी जो डोमेन है, अगर प्रिंसिपल को टेंजेंट फंक्शन की बात है तो उसकी डोमेन की तो एक रिस्ट्रिक्शन है, वो हमें रोकती है कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते, इसका हम थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते, तो फिर ऑप्शन ए ही हमारा जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू यूं है कि 1/x टाइम्स साइन ऑफ कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 1/x, ये किसके बराबर होगा, ठीक है, यानी इनमें से एक ऑप्शन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम यहाँ पर जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग का मेथड यूज़ करते हैं, हम खुद से फर्ज कर लेते हैं कोई एक वैल्यू कि जो हमारे लिए आसान हो सॉल्व करना। हम जानते हैं कि कोसेकेंट की वैल्यू 30 डिग्री पे ये होती है जी, चूँकि साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे अगर 1/2 होती है तो कोसेकेंट की 30 डिग्री पे फिर 2 होगी, ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 1/2 लिख लेता हूँ, यानी x को पुट कर लेता हूँ मैं 1/2, तो फिर इसका रेसिप्रोकल 1/x जो होगा वो 2 के बराबर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो फिर कोसेकेंट इनवर्स अगर 2 की बात की जाएगी,
कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 2, तो वो किसके बराबर होगा फिर, वो इसी इसी अगर रिलेशन को देखें तो 30 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। और फिर साइन 30 की वैल्यू अगर ली जाए तो वो 1/2 आएगी, और फिर 1/x जो कि 2 है, 2 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आंसर आएगा। इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन जो सी है हमारा वो इस लिहाज से फिर बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि -1 नहीं आंसर आया, 1/x नहीं आ सकता, x नहीं आ सकता, क्योंकि इधर से जो भी आपका आंसर आएगा वो x होगा, जो 1/x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फिर हमेशा आंसर हमारा 1 ही के बराबर आएगा।